बोलिए सतगुरुदेव की जय। आप लोग जय बुलाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए बंदूक में छोटी सी गोली डाली जाती है और यहाँ चलाया जाए उस गोली को तो कितने दूर तक आवाज जाती है, जानते हैं ना? पता है कि नहीं? और आप हम आध पाव, एक एक पाव, आध आध किलो का बारूद भर करके आए हैं। अब पंडाल ही में पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई बैठे हुए हैं। इसलिए जय जयकार की ध्वनि आप लोग जोरों से कीजिए, जिससे गया रहिका वाले जान जाए कि सत्संग शुरू हो गया है, हम लोग भी सुनने के लिए चले। तो इसलिए आप लोग जय जयकार की ध्वनि थोड़ा जोरों से करिए। बोलिए सतगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सतगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। सभी संत गुरुजनों की जय। सत्संग कराने वालों की जय। सत्संग में आने वालों की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार, सुंदर सुंदर विचार संतों के द्वारा सुन रहे थे। कुछ ही समय में और श्रद्धे संत उपस्थित होंगे, उनके विचार श्रवण करेंगे। कुछ समय मैं आप लोगों को कुछ साधारण बातों की ओर ले चल रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नकसिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। कबीर साहब इस साखी में बताते हैं कि अहंकार का त्याग करे, हरि का भजन करे, नख से शिखा तक जितने विकार हैं दोष उनका त्याग करे, सभी जीवों से निर्वैरत्व की भावना रखे और साधुमत शील स्वभाव को धारण करे। कबीर साहब हमारे जीवन निर्माण के लिए इस साखी में पांच बातें बताते हैं। पहली बात है अहंकार का त्याग करना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में आप रहते हैं और चाहते हैं कि घर वाले मुझे सम्मान दे, परिवार के लोग मेरा सत्कार करें, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, तो अहंकार का त्याग कीजिए। अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा। ये सोच लीजिए, यदि घर का मुखिया, घर का अगुआ अहंकारी है तो परिवार वालों से सही तालमेल वो बिठा नहीं पाएगा। परिवार के लोग उनको आदर नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, पक्का सोच लो। परिवार वाले एक एक करके कट जाएंगे। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अहम चाहते हैं, तो विनम्र बनिए, अहंकार का त्याग कीजिए। और अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। कहावत ही है, पानी सर्वत्र बरसता है किंतु टिकता वही है जहां जमीन गहरी होती है। जिस डगाली में फल लगते हैं वो डगाली झुक जाती है। तराजू का वजनदार पलड़ा झुक जाता है।
तो अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। देखिए आप हम सत्संग में आए हैं, अब सत्संग में आए आ करके सोचें कि वहां मतलब यहां मैं आ तो गया, अब लोग मुझे कहे कि आप आइए यहां बैठिए, यदि यह भाव रख करके आप आए हैं तो सोच लीजिए आप सत्संग सुनने नहीं आए हैं, सम्मान पाने आए हैं। यहां बैठे रहेंगे आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये पक्का सोच लीजिए। आप सत्संग में आए हैं उपयुक्त जगह देखिए, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, संतों के वाणी वचन से लाभ उठाइए, ग्रहण करने का यही रास्ता है। मतलब अहंकारी होने से उसके परिवार के लोग कैसे टूटते हैं, कैसे उनसे दूरी बनाते हैं, ये रावण के जीवन से आप हम अच्छी तरह से प्रेरणा ले सकते हैं। रावण उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ था, चारों वेदों का प्रकांड पंडित था और योग्य आदमी था, वेदों का भाष्यकार भी था, किंतु साथ साथ उसमें अहम था और यही अहम ही उसका नाश किया है। मनुष्य के जीवन में गलतियां होती है, आप हम जितने लोग बैठे हैं कोई कह सकते हैं कि मैं कह सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, नहीं कहा जा सकता है ना। अरे गलतियों से ही तो ये शरीर मिला हुआ है, गलती के नाते तो आप हम दुखी हैं, आपका हमारा मन मलिन है, आप हम रात्रि में छटपटा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा रहे हैं, क्यों? गलती है तभी ना, त्रुटि है तभी ना। तो कौन कह सकता है कि हमारे जीवन में त्रुटि नहीं है? रावण के जीवन में गलती हुई, रावण मैं बताया ना, रावण योग्य आदमी था किंतु साथ साथ उनमें अहम था, उनसे गलती हुई कि मां सीता का उन्होंने हरण किया। जब रावण ने सीता को हर करके लाया तो लंका के जितने बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो उनके भाई या उनके सेवक मंत्री या उनकी पत्नी मंदोदरी, सभी लोगों ने एक ओर से समझाया कि पराई स्त्री का हरण करना ठीक नहीं है, पराई स्त्री का स्पर्श तो उसी प्रकार है जैसे कोई आग को छूना चाहे। आप सीता को लौटा दीजिए, रावण राम क्षमा करेंगे। किंतु रावण ने कहा मैं टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता हूं, और यही अहम ही उसके नाम को इतिहास के पन्नों में बदनाम कर दिया। रावण का यह अहम, यह वाक्य कि मैं टूट सकता हूं झुक नहीं सकता हूं, इतिहास के पन्नों में नाम बदनाम कर दिया। आप देख लीजिए गांव-गांव में आपको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम के लड़के मिल सकते हैं, किंतु रावण कंस और दुर्योधन ये तीन नाम इतिहास के पन्नों में जल्दी मिलने वाला नहीं है। जल्दी लोग अपना अपने बच्चे का नाम रावण कंस और दुर्योधन नहीं रखना चाहते हैं। आपके गांव गया रहिका में आए हैं, हम लोग तो प्रथम बार आए हैं, वैसे यहाँ सत्संग होता है, किंतु हो सकता है जल्दी ये नाम न मिले, अपवादा स्वरूप की गिनती नहीं है। देखिए रावण ने गलती किया, रावण ने अहम किया, अहम करने से कैसे उसके नाम इतिहास के पन्नों में बदनाम हुआ, ये रावण के जीवन से शिक्षा ले सकते। कहावत ही बन गया एक लाख पुत सवा लाख नाती और ता रावण घर दिया ना। उन्होंने ये सीख दे गया
कि आप अपने बच्चे का नाम राम रखना, लक्ष्मण रखना, भरत शत्रुघ्न रखना, किंतु रावण और कंस दुर्योधन मत रखना। एक गीत में भी तो आया है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। गीत सुने हैं कि नहीं? तो नाम वाले ही बदनाम होते हैं, ये भी जाने रहिए। तो हम अहम ना करें, अहम ना करें बस। यदि अहम करेंगे तो निश्चित है हमारा भी नाम बदनाम होगा। आज आदमी देख लीजिए, मतलब हाल को सुधारना चाहता है और चाल को नहीं सुधारता है। जब चाल नहीं सुधरेगा तो हाल कैसे सुधरेगा, सोचिए आप। चाल के अनुसार ही तो हाल बनना है, और आदमी चाल पर नजरअंदाज नहीं करता, हाल को सुधारने में चला। इसीलिए एक ने कहा है, लाखों फूल कम है गला को सजाने में, और एक फूल काफी है जिंदगी को रुलाने में। एक भूल काफी होती। रावण में हर अच्छाई थी, बस एक एक त्रुटि थी, सीता का हरण किया, और इतिहास के पन्नों में उसका नाम बदनाम हुआ कि नहीं, ये रामायण सीख देती है। आप महाभारत के अनुसार देखिए, कौरव और पांडव भाई भाई ही तो थे, भाई भाई थे, दोनों में जुआ हुआ, राजपाट हार गए, शर्त हुआ 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करके आएंगे तो राज्य लौटा दिया जाएगा। शर्त अनुसार पांचों पांडव आए तो दुर्योधन को राज्य लौटाना चाहिए कि नहीं? किंतु दुर्योधन का यह अहम बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग बराबर जमीन नहीं दूंगा, यही अहम ही महाभारत युद्ध का कारण बना हुआ है। न चाहते हुए महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाए और 18 दिन के महाभारत में कौरव दलों का नाश हुआ। एक अहम। इसलिए मेरा आप सबों से निवेदन है, जिस घर परिवार में आप हम रहते हैं, यदि आप हम घर परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, घर परिवार में आप हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो अहम को छोड़े, झुकना सीखे। अहंकारी आदमी के मुख से कैसे न कहने योग्य बात निकलता है, यह हम दुर्योधन के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं। महाभारत का युद्ध तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चल रहा था कुछ का मतलब, और कौरव दल के खास खास सेना मारे गए थे। कौरव दल के खास सेना में केवल दुर्योधन था, उनके भाई दुशासन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब मारे गए थे। कुछ ही मतलब काफी दिन युद्ध बीत गया था। एक दिन उसकी पत्नी मतलब दिन में युद्ध होता था, खा पी करके रात में सब बिस्तर में जाते थे, तो जैसे दुर्योधन अपने रूम में पहुंचे हैं, वैसे उसकी पत्नी भानुमती ने पूछा है कि पति देव, युद्ध मतलब महाभारत युद्ध तो छिड़ गया है, रुकने वाला नहीं है, आपके खास खास सेना मारे गए हैं, क्या आपको विश्वास है कि इस युद्ध में आपकी विजय होगी? आपको ये विश्वास होता है? एक पत्नी अपने पति से पूछ रही है। तब दुर्योधन कहता है, भानुमती, महाभारत युद्ध तो छिड़ गया है, युद्ध रुकने वाला नहीं है, विजय किसकी होगी ये तो बाद में पता चलेगा, किंतु मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, विधवा होने की तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। सोचिए,
अहंकारी आदमी के मुख से कैसा शब्द निकलता है, ये दुर्योधन के जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। तो इसलिए आप हम छोड़ दें, जीवन है, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। लोग हैं भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, साधना भजन कर रहे हैं, होता है घमंड होने लगता है। एक सही घटना मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे एक क्षेत्र में, एक मठ में सत्संग चल रहा था, तो मठ के जो महंत थे वो बोल रहे थे। जैसे उनका प्रवचन खत्म हुआ, प्रवचन खत्म होने के बाद लोग मिलने जुलने के लिए आए, तो एक भक्त आए, बंदगी किए और बंदगी करके महंत जी से कहने लगे, बड़े महंत साहब से कहने लगे, गुरु जी मैं कबीर पंथी, मेरे पिता कबीर पंथी, मेरे दादा कबीर पंथी, मेरे परदादा कबीर पंथी, और मेरा लड़का कबीर पंथी, मेरा पोता कबीर पंथी। गिना रहे थे अपने 5-6 पीढ़ियों को, गिना रहे थे। तो जब गिना रहे थे तो उसकी समय उसके हथेली में जो दाग पड़ा हुआ था वो चमका, हथेली में खैनी रगड़ करके खाते थे, खैनी होता है ना, हाथ हथेली में रगड़ के खाया जाता है, तो हथेली में खैनी रगड़ करके खाते थे, वो चमकने लगा। महंत जी तो कुछ नहीं कहे, मगल में मैं बैठा था, मैं उसके हाथ को पकड़ा और पकड़ करके कहा, भगत जी 5-6 पीढ़ी से आप कबीर पंथी हैं किंतु आज तक खैनी नहीं छूटा है, क्या कबीर साहब ने खैनी खाने के लिए आपको शिक्षा दिया है? क्या कबीर साहब के 5-6 पीढ़ी से अनुयायी हैं और आज तक खैनी नहीं छूटा है? कौन से कबीर पंथी आप हैं? सोचिए, हम अब दिन तो हाँक रहे हैं कि हम कबीर पंथी हैं और खैनी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कितनी बड़ी भूल है। तो ये क्यों हम गिना रहे हैं? सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोग हमें अच्छा समझे कह करके, और गंदी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को निर्मल बनाना है, अहम छोड़ दे। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेहिते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। सारी दुनिया तो अहंकार के अग्नि में जल रही है, इसलिए जीवन को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, तो अहंकार का त्याग करें। दूसरी बात है हरि का भजन करें। हरि का भजन करने के लिए कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे कौन ऐसे हरि है जिनके आप हम भजन करें? वैसे हरि के कोश के अनुसार, वृहत हिंदी कोश के अनुसार अनेक अर्थ हैं, किंतु उसी में एक अर्थ है जो हमारे दोषों को हरण करे, वे हरि है। और हमारे दोषों को हरण करने वाले कौन? संत और गुरु हैं। संत गुरु से ही आप हमको शिक्षा मिलती है, संत गुरु से ही आप हमको प्रेरणा मिलती है, संत गुरु के निर्मल जीवन से आप हमको निर्मल जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। जैसे आग के निकट जाते हैं उष्णता मिलती है कि नहीं? पानी के निकट जाते हैं तो शीतलता मिलती है कि नहीं? इतर बेचने वाले हैं, उनके निकट जाते हैं तो आपको इतर की सुगंधी मिलती है। ठीक इसी प्रकार जो निर्मल वैराग्यवान संत हैं, जिनकी कथनी और करनी एक है, जिसकी रहनी करनी के समान है, ऐसे लोगों के पास जाने से ही हमको प्रेरणा मिलती है। ऐसे संत गुरु हैं, वे ही हमें प्रेरणा दे सकते हैं। ये भी सोच लीजिए, संसार के जितने रिश्ते हैं सब मोह की पाठ पढ़ाने वाले हैं, केवल संत गुरु ही हमारी आंखों में उंगली डाल करके हमें जगाते हैं,
और जगाने के लिए ही तो यहाँ आए हैं, आए हैं कि नहीं? और फिर भी हम ना जगे तो हमारी भूल है कि नहीं? तो ऐसे संत गुरु की उपासना ही सच्चे हरि का भजन है। हम लोग करते क्या है, देवी देवता की कल्पना ऊपर करते हैं और जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनको देवी देवता नहीं समझ पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बांस की फट्टी बना लेंगे, मिट्टी लपेट देंगे, रंग रोगन कर देंगे, साड़ी पहना देंगे, मंदिर में बिठा देंगे। अब बिठाने के बाद कहते हैं त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा कह करके उसके सामने नाक रगड़ते हैं, जो एक चूहिया पैदा नहीं कर सकती है। और जो देवियां यहाँ बैठी हैं, 9 माह गर्भ में रखती हैं, पैदा करती हैं, मल मूत्र धोती हैं, दूध पिलाती हैं, उनका हम तिरस्कार करते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते। आज देख लीजिए, अभी दुर्गा पक्ष चल रहा था ना, चैत के महीना में दुर्गा महारानी कितना जय जयकारा हो रहा था। और घर में माता पिता हैं, घर में देव मतलब माता पिता हैं, देवी देवता हैं, क्या उसकी पूजा हुई? माता पिता को तो डंडा से स्वागत करेंगे और पत्थर की मूर्ति के सामने जा करके आरती उतारेंगे, कितनी बड़ी भूल है। जो सच्ची देवी देवता है उनका तिरस्कार करेंगे, उनसे कटु व्यवहार करेंगे, उनसे अपशब्द कहेंगे और उस देवी की पूजा करेंगे जो न बोले न डोले न आशीर्वाद दे, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। हम लोग भगवान की कल्पना करते हैं, सोचते हैं इस गया रहिका में कहां भगवान मिलने वाला है, सोचते हैं ना? आप लोग सोचते हैं भगवान तो मिलेगा बैद्यनाथ धाम में, भगवान तो मिलेगा काशी जी में, भगवान मिलेगा अयोध्या में, मथुरा में, इला प्रयागराज में, सोचते भगवान की कल्पना वहां करते हैं। और करते हैं और गया रहिका में इस धूल धूसरित जमीन में कहां भगवान मिलने वाला है। किंतु सोच लीजिए, यदि आपको गया रहिका में भगवान नहीं मिला तो बैद्यनाथ धाम में भी नहीं मिलेगा, ना काशी में मिलेगा, ना प्रयाग में मिलेगा। हाँ, पंडे जरूर मिलेंगे, आप जाएंगे वहां सावधान रहिएगा, आने के लिए किराया भी नहीं बचेगा, जेब कट जाएंगे। तो भगवान भगवती जहां आप आए वहीं आप देखना सीखिए। हम लोग हमारी दृष्टि कहाँ ऊपर है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने ये कहते हैं, और भीतर में जो बैठे हैं उसको भूल गए। जबकि भीतर में ही राम रहीम है, भीतर में ही खुदा गाड़ बैठा है, उसको हम समझे। एक उदाहरण से समझे, एक गांव था, उस समय उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, तो गांव के जितने कामगार लोग थे बाहर कमाने के लिए चले गए, घर रखवाल घरों में छुटे हुए थे। तो एक घर के सभी लोग चले गए थे, एक घर में एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया रहती थी और सब लोग कमाने खाने चले गए थे। गांव में पड़ गया था अकाल, संयोग से एक दिन दो चोर, उसका नियत खराब हो गया। वे लोग सोचे, बोलिए सदगुरु देव की जय। तो गांव में दो चोर रहते थे, उन दोनों चोरों की दृष्टि खराब हो गई, नियत खराब हो गई। वे लोग सोचे बुढ़िया अकेली रहती है, चलना चाहे उसके घर में जो कुछ है बांध करके ले आना चाहिए। रात्रि गर्मी का मौसम था, बुढ़िया आंगन में सोई थी, रात्रि का समय था,
दोनों चोर पहुंचे उनका उनके घर में जितना सामान था बांध लिए, चलने लगे। चलने के समय हुआ तो एक चोर ने कहा, हम लोग जाने को तो तैयार हैं, बुढ़िया जान नहीं पाई है, भूख लगी है, कुछ खाने पीने की चीज मिल जाए तो देखें। तो ढूंढने लगे तो एक चोर किचन में घुसा, तो किचन में घुसा तो उसे कुछ नहीं मिला, चूल्हा में दूध रखा हुआ था, आटा, दूध गरमाए थे, रखा हुआ था। तो एक चोर ने कहा कि दूध रखा है, आइए इसको पी लिया जाए, दूसरे चोर को बुलाया। तो दूसरा चोर ने कहा, दूध पीने से भूख नहीं मिटेगी, देखिए कुछ और मिल जाए। ढूंढा गया तो चावल मिल गया, चीनी मिल गई, कंडा रखा था, चूल्हा में आग कुछ था ही डाल दिए। थोड़े देर में खीर तैयार हो गया, गांव में बत्ती नहीं थी, थाली में डाले थे, बाहर बैठ करके चम्मच से चला रहे थे। तो जब चम्मच से चला रहे थे तो बुढ़िया बाएं करवट सोई थी, तकलीफ ही हुई होगी, करवट बदली चित्त हो गई। तो चित्त हुई तो हाथ ऐसे फैल गया। तो जब हाथ फैल गया, चोर लोग सोचे, हम लोग खीर खा रहे हैं, ये बुढ़िया जान गई है, ये भी मांग रही है, कह करके वो एक एक चम्मच दोनों चोर उठाए और बुढ़िया के दोनों हाथ में डाल दिए। खीर था गरम, ठंडा नहीं था, जैसे हाथ में डाले हाथ जला, बुढ़िया हाथ को हिलाई हिलाई, जग गई, उठ बैठी। जैसे बुढ़िया को बैठे देखे चोर भगे खीर छोड़ करके, बुढ़िया जान गई कि घर में चोर हैं। तो वो चिल्लाने लगी, चोर चोर का, जैसे चोर चोर की आवाज हुई, आसपास के लोग जगे आए और दोनों चोर छिप गए थे, एक दो छत्ती में चले गए थे और एक चोर बुढ़िया के चरपाई के नीचे घुस गया था। वो गांव वाले आए, देखे, कहीं दिखा ही नहीं। बुढ़िया बारंबार कहती थी ऊपर, मत कहती थी चोर चोर। गांव वालों ने कहा, बुढ़िया तुम कहती हो चोर, कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तब बुढ़िया कहने लगी, ऊपर वाला जाने, बारंबार कहने लगे। लोगों के मन में हुआ, बुढ़िया बारंबार कहती है ऊपर वाला जाने, देखो तो भैया ऊपर कोई बैठा तो नहीं है। टार्च रखे थे, गांव का मामला था, जैसे टार्च जलाए ऊपर चोर बैठा था, चमकने लगा। ऊपर में चोर बैठा था, वो कहने लगा, बुढ़िया ऊपर वाला ही नहीं जानेगा, अरे नीचे वाला भी तो जानेगा। दोनों मिलकर के चोरी किए हैं, नीचे वाला भी जानेगा। टार्च जलाए, नीचे बैठा वो भी पकड़ लिए गए। तैसे आप हम ऊपर वाला जाने रट रहे हैं, हृदय में भगवान बैठा है, जिस घर परिवार समाज में रहते हैं भगवान बैठा है, देवी देवता बैठे हैं, उसका बोध नहीं हो रहा है। उसी बोध के लिए ही ये सत्संग की आवश्यकता है, उसी की जानकारी के लिए संतों की संगति की आवश्यकता है, उसी भगवान के भजन करने से ही जीवन के क्लेश मिट सकते हैं। मंदिर में जाइए, घंटा हिलाते रहिए, माला फेरते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्षणिक संतोष मिलेगा। सही बोध, सही ज्ञान संत गुरु के निकट जाने से ही हो सकता है। वे ही सच्चे हरि हैं, उन्हीं की पूजा उपासना करने के लिए कबीर साहब का आदेश है, उन्हीं की भजन करने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब के एक साखी उठाया था, आपा तजे हरि भजे, पर मैं कुछ निवेदन किया, हमारे बीच पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं, आपके गंभीर विचार श्रवण करेंगे, इस बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।